बलरामपुर जनपद के ललिया हरिहरगंज मार्ग पर राप्ती नदी के कहर से कोडरी घाट के पुल का अप्रोच टूट जाने से तराई क्षेत्रवासियों को मुख्यालय जाने का आवागमन बाधित हो गया है। जनपद मुख्यालय से लगभग 200 से अधिक तराई क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाला कोडरी घाट पुल के बीच दो डीप बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए कोडरी घाट के कुर्मीपुरवा एवं कोडरी गांव के मध्य दो डीप बनाने की मांग जिलाधिकारी से की है। ग्रामीणों ने मांग पत्र देते हुए पुल से गुजरने वाले शिवपुरा, ललिया, बरौलिया, सिंहपुर, बलदेवनगर, काशीपुर, टेडवा, लालपुर, जोहना, गौसाई, पुरवा आदि ग्राम के लोग बाढ़ आने पर शहर से कट जाते हैं। इसके साथ साथ हजारों एकड़ का फसल बाढ़ के पानी में डिपना होने से बर्बाद हो जाता है। फसल बर्बाद होने एवं शहर से संपर्क कटने से क्षेत्रवासियों को आर्थिक तंगी के साथ शारीरिक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। आपका? मेरा नाम दिलीप गुप्ता है। कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम सभा कोडरी के हैं। हमारा मामला ये है कि जो कोडरी हरिहरगंज मार्ग है और कोडरी चौराहे से 200 किलोमीटर कोडरी घाट के तरफ, 200 मीटर कोडरी घाट के तरफ हर बार वो मतलब जब भी बाढ़ होता है तो वो हर बार काट देता है। उस पर हम लोगों का मांग है कि उस पर एक पुलिया होना चाहिए जिससे मतलब पूरे गांव, पूरे मतलब जो भी आसपास के लोग हैं उनको उससे निजात मिल सके। बाढ़ का पानी वो रिजर्व हो जाता है, वो बार बार मतलब रिजर्व होता है, वो अगर उससे डिप हो जाएगा तो वो पानी मतलब दूसरी तरफ फिर से नदी में गिर जाएगा। आगे सुना, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पंचायत जोहना। अब परेशानी ये है सर, यहाँ से कोडरी गांव से लेकर कोडरी घाट पुल तक एक भी पुलिया नहीं है, वो सड़क बंधा टाइप का बना दिए हैं। हर बरसात में कहीं ना कहीं हर साल कट जाता है। पुल से चलकर 200 मीटर के बाद में अगर एक पुल दे दिया जाए छोटा सा तो पानी का स्टॉक ना हो, पानी निकलता रहे पीछे से जो आए। इधर 10-12 गांव से पानी वहां से आता है और स्टॉक हो जाता है तो कहीं इधर कट जाता है, कहीं उधर कट जाता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।